स्टार जैन मेरे सहयोगी हैं, उनके साथ में जिनको टिकट मिल रहे हैं वो भी अपने अब रिएक्शन दे रहे हैं, तैयारी पर बातचीत कर रहे हैं। स्टार आपके पास आते हैं, मिलवाएं, बताएं क्या कहना है प्रत्याशी का। जी पुरंदर मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो गो रायपुर उत्तर से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। पुरंदर जी लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब आपको रायपुर उत्तर की कमान दी गई है, वहां से प्रत्याशी बनाया गया, क्या तैयारियां रहेंगी, किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मैं सब हमारे बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठों को धन्यवाद करता हूँ, जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि रायपुर शहर की जवाबदारी जो मिली है, एक छोटे से कार्यकर्ता को जो सम्मान मिला है, उसमें मैं एकदम खरा उतरूंगा, सभी जनता की चिंता करूंगा, पार्टी की चिंता करूंगा, कार्यकर्ता की चिंता करूंगा, और मैं सबको धन्यवाद करता हूं जिनके विशेष स्नेह से मुझे बसना से रायपुर बुला लिया गया। मैं रायपुर में 40 साल से 42 साल से हूं और अच्छा सेवा करूंगा, सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूं, और मैं पार्टी के सभी लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को, हमारे जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी को, नितिन नवीन जी को, और जितने वरिष्ठ जन हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, संगठन के जितने हैं सबको धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। कांग्रेस सामने रहेगी, कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे, तो उनको कैसे काटेंगे आप, क्योंकि सरकार अभी वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस की है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी रायपुर को लेकर बात करें तो? 2003 में भी हमारे पास सरकार नहीं थी और हम जीत के आए थे, इस समय भी सरकार नहीं है, हम जीत के आएंगे। हमारा 15 साल का जो कार्य है, भारतीय जनता पार्टी कार्य, वो दिख रहा है, सड़कों में दिख रहा है, रोड में दिख रहा है, गली में दिख रहा है, मोहल्ला में दिख रहा है, उसको बताएंगे और बखूबी से हर काम को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए पुरंदर मिश्रा जी जो बता रहे हैं उनकी एक विशेष रणनीति यही है। स्टार में चाहूंगा एक सवाल आप जरूर पूछें, स्टार एक छोटा सा सवाल पूछें, आपके क्या मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट से पार्टी ने आपको उतार दिया है, चुनौती कांग्रेस की नहीं बीजेपी के भीतर जो बड़े चेहरे थे, समाजों के प्रतिनिधित्व करने वाले बाकी उनके भी नाम थे, अब वो माहौल कैसे पाते हैं पार्टी के अंदर भी और पार्टी के सामने भी? ठीक है जी, एक सवाल है जो पूछना चाहेंगे कि पिछले बार रायपुर उत्तर की सीट सबसे आखिरी में जारी की गई थी और इस बार भी कई लोग दावेदार थे और एक प्रकार से हाई प्रोफाइल सीट है, तो स्थानीय तौर पर बात करें तो मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर आप बीच में जाएंगे, और पार्टी के आपस के कई लोग आपके साथ उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे थे रायपुर उत्तर से, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपस में मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है, तो ये चीजें कैसे मैनेज करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण तक मनमुटाव रहता है, उसके बाद मनमुटाव नहीं आता, और सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, इसलिए वाली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और सब भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, सब एक हैं, सब भिड़ के चारों सीट में लड़ेंगे। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन मुद्दों की बात करें तो क्या रहेगा मुद्दे? देखिए मुद्दे में जहाँ जाऊँगा वो मुद्दे मिल जाएगा, आप मुद्दे में तो बोला ना 15 साल में जो हम काम किए वही काम दिख रहा है, पिछले 5 सालों की क्या रहेगी सरकार, मतलब काम की आपको लगता है, मतलब यहाँ पर काम तो आप देख रहे हैं, मैं उसको क्या बताऊंगा, काम आप लोग जितना अच्छे से देख रहे हैं उसको खोजेंगे और आपको बताएंगे, आप बताइएगा कि मुद्दा क्या क्या है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी क्षणिक समय में आपको ज्यादा मुद्दा बता नहीं पाऊंगा, बट मुद्दा इतने पुरंदर मिश्रा जी को आप सुन रहे हैं और उत्तर रायपुर उत्तर सीट से इन्हें कैंडिडेट बनाया, स्टार उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिलहाल वो ये भी साथ ही साथ जोड़ते हैं कि मुद्दे वो पूछेंगे भी ढूंढेंगे भी, पार्टी के भीतर से उनको भरपूर सपोर्ट है, केवल नाम घोषणा तक ही प्रतिस्पर्धा रहती, लेकिन क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद देते हैं स्टार आपका भी और पुरंदर जी का भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, शुभकामनाओं के साथ में।